bismillah rahmanir rahim we have constructed aggregate demand aggregate supply model and then we investigated or analyzed the effects of different shocks in aggregate demand aggregate supply model and specifically we focused on two variables output and inflation rate and we looked at those values of those variables in short run as well as in long run Up हमारी मॉडल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया लेकिन उसकी एक्सटेंशन के तौर पे एक और मिलता जुलता कॉन्सेप्ट जो एग्रीगेट सप्लाई से बड़ा रिलेट करता है इसलिए जरूरी है कि हम अपनी डिस्कशन में उसको भी शामिल कर लें और वो है फिलिप्स कव और फिलिप्स कव और एग्रीगेट सप्लाई कव आपस में बड़े क्लोजली रिलेटेड होते हैं आपको पता है हमने एग्रीगेट सप्लाई कव को कहां से डिराइव किया और किन वेरिएबल्स की बेस पे बनाया अगर आपके पास फिलिप्स कव हो तो आप उससे भी एग्रीगेट सप्लाई कर्व डिराइव कर सकते हैं तो हम एज एक, एक्सटेंशन फिलिप्स कर्व को भी पढ़ते हैं और उसमें एग्रीगेट सप्लाई कर्व को भी डिराइव करते जाएंगे ए डब्ल्यू फिलिप्स कर्व एक इकॉनोमिस्ट था जिसने स्टडी किया वेज ग्रोथ और अनएम्प्लॉयमेंट के दरमियान रिलेशनशिप को और उसे जो रिजल्ट मिला वो ये था कि वेज ग्रोथ का और अनएम्प्लॉयमेंट का आपस में रिलेशनशिप होता है, जिसका मतलब यह है कि जितनी अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी उतनी वेजेस ज्यादा बढ़ेंगी, या जितनी अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी उतनी वेजेस में ग्रोथ कम पीछे उसका। उसने तो डेटा लिया और उसमें ये देखा। कि ये है, ये नहीं है। लेकिन अगर हम इसमें इकोनॉमिक्स डालना चाहें तो इसकी बड़ी अच्छी इकोनॉमिक्स निकलती है और वो क्या है कि हमें पता है कि जब अनुप्लॉयमेंट कम हो जाए तो इसका मतलब यह है कि वर्कर्स की डिमांड बढ़ गई है और वर्कर्स की डिमांड बढ़ जाए तो उनकी वेजेस को बढ़ना ही चाहिए इसका मतलब है जब अनएंप्लायमेंट कम हो तो वाकई वेजेस को बढ़ना चाहिए तो जो उसका एविडेंस था जो उसका एम्पेरिकल फाइंडिंग थी वो बिल्कुल ठीक थी अगर हम उसकी लॉजिक पे जाए तो इनिशियली बाद में इकोनॉमिस्ट ने वेज के साथ प्राइस का बड़ा गहरा ताल्लुक होता है जब वेजेस बढ़ती हैं तो फिर प्राइसेस भी बढ़ती हैं क्योंकि वेज कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाता है जब कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाए तो फार्म अक्सर जो उसकी आउटपुट है उसकी भी प्राइस बढ़ा देती हैं तो फिर इकोनॉमिस्ट ने इन्फ्लेशन को यानी कि वेज को या वेज के इन्फ्लेशन को नहीं प्राइसेस के गुड्स और सर्विसेज की प्राइसेस के इन्फ्लेशन को अनएम्प्लॉयमेंट के साथ उसका रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने की कोशिश की तो उन्हें पता चला कि वो रिलेशनशिप भी नेगेटिव है इसका मतलब है फिलिप्स का इसका नाम तब से पड़ा जब यह क्लियर हुआ कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के दरमियान नेगेटिव रिलेशनशिप है तो इसका मतलब है फिलिप्स उसको कहते हैं जो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के दरमियान नेगेटिव रिलेशनशिप को शो करता है अब जो 1960s का जमाना था क्योंकि यह स्टडी एडब्ल्यू फिलिप्स की अपनी 1959 में हुई थी तो जो 1960s का जमाना था उस दौर में फिलिप्स का पॉलिसी सर्कल पे इसका बड़ा इन्फ्लुएंस था लोग इसको इन्फ्लेशन फ्लक्चुएशन का सबसे अच्छा मॉडल समझते थे और इसी वजह से जो पॉलिसी बनती थी उसके ऊपर इस थेरी का का इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस आता था क्या मतलब का? कि पॉलिसी मेकर को पता था कि अगर मैंने अनएम्प्लॉयमेंट कम करनी है तो उसका तरीका यह है कि मैं इन्फ्लेशन बढ़ा लूं यानी कि एक्सपेंशनरी पॉलिसी बना लूं तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी और अगर मैंने इन्फ्लेशन रेट कम करना है तो फिर मैं अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा दूं, दूं, को बढ़ने दूं, उसको कंट्रोल ना करूं, तो इन्फ्लेशन रेट नीचे आ जाएगा। ये जो अच्छी को गाइड करती है कि कैसे पॉलिसी बनाई जाए लेकिन लेटर ऑन फ्रीडमैन और फेल ये दो इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने दोबारा से फिलिप्स को स्टडी करना शुरू किया और उन्होंने इसके अंदर ढूंढा यानी कि इसके अंदर वीकनेसेस उन्हें मिली कि ये जो फिलिप्स का बड़ा मशहूर हुआ हुआ है और जिसकी बेस पे पॉलिसी सर्कल्स ये समझते हैं कि हम पॉलिसी गाइडलाइन इससे ले सकते हैं लेकिन इसके अंदर तो कुछ फंडामेंटल फ्लॉज हैं इसके अंदर वीकनेसेस हैं वो क्या थी देखें फ्रीडमैन और फेल्प ने ये कहा कि उसमें नॉमिनल वेजेस और सामने अनएम्प्लॉयमेंट है जबकि जो वर्कर्स हैं दे केयर अबाउट रियल वेजेस उन्हें नॉमिनल वेज से गर्ज नहीं होती वो ये देखते हैं कि उनकी रियल वेज कितनी है तो वो हमेशा ऐसी वेज निगोशिएट करते हैं ताकि उनकी रियल वेज कम ना हो एटलीस्ट अपने लेवल पे कांस्टेंट रहे दूसरी बात जब वो निगोशिएट करते हैं वेज को तो वेज हमेशा नेक्स्ट टाइम पीरियड अगले साल के लिए निगोशिएट की जाती है तो उस वक्त का तो इन्फ्लेशन रेट हमें नहीं पता था कि हम यह देख सकें कि उसकी रियल वेज क्या होगी क्योंकि रियल वेज तब पता चल सकती है जब वेज 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 भी भी पता हो भी पता हो 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 और इन्फ्लेशन रेट तो हम रियल निकाल सकते हैं अब मसला है है कि आज हो रही है, की वर्कर और फर्म के दरमियान अगले साल के लिए जबकि इन्फ्लेशन अगले साल का हमें पता नहीं है तो फिर एक्सपेक्टेशन की बेस पे हमें जो इन्फ्लेशन है उसको मैयर करना होगा एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन की बेस पे इसी वजह से जो उन लोगों ने अपनी इक्वेशन दी फिलिप्स कर्व की वो ये थी कि आई एन एफ विच इज इन्फ्लेशन इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय गैप और अनएम्प्लॉयमेंट गैप का मतलब है माइनस नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और इनकी स्टडी का कंक्लूजन ये था कि लॉन्ग रन के अंदर इकॉनॉमी अल्टीमेटली रीच इज यूएन इसका मतलब है कोई भी इकॉनॉमी ऐसी नहीं हो सकती कि वो इन्फ्लेशन बढ़ा दें तो अनएंप्लायमेंट कम हो जाएगी वो कहते हैं ऐसा शॉर्ट रन में तो पॉसिबल है लेकिन लॉन्ग रन में ये होगा कि इन्फ्लेशन तो बढ़ जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट वापस अपने नेचुरल रेट पे चला जाएगा यानी कि कास्ट तो बियर कर लेगी इकोनॉमी बेनिफिट शॉर्ट रन में होगा लॉन्ग रन में नहीं होगा कैसे इसको भी डायग्राम से देखते हैं अब यहां पर यह एग्रीगेट सप्लाई कर्व नहीं बनाया गया बल्कि फिलिप्स कर्व बनाया गया और फिलिप्स कर्व में एक लॉन्ग रन है जो वर्टिकल है और जो शॉर्ट रन है वो नेगेटिवली स्लोप्ड है क्योंकि हमने पहले ही कहा कि रिलेशनशिप नेगेटिव होता है इनिशियली इकॉनॉमी पॉइंट है उस वक्त इकोनॉमी में इन्फ्लेशन रेट आई एन एफ वन है और अनएम्प्लॉयमेंट नेचुरल रेट पे है अगर पॉलिसी मेकर जो पहले वाला फिलिप्स कर्व था उससे ये एडवाइस लेते हुए कि भाई हमने अनएम्प्लॉयमेंट यूएन UN से कम करनी है यू टू तक तो वो उसके लिए क्या करे तो उसके लिए वो इन्फ्लेशन रेट इकोनॉमी में बढ़ा दे यानी कि पॉइंट टू आ जाए इकोनॉमी तो इससे ऐसा पॉसिबल है लेकिन फ्रीडमैन फेल्प ने कहा कि ऐसा नहीं होगा बल्कि होगा ये कि जब आपकी इकोनॉमी पॉइंट टू आएगी तो वर्कर्स का एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट भी तो बढ़ जाएगा ना जब उनका एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा तो शॉर्ट रन का फिलिप्स का भी ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और अल्टीमेटली ये प्रोसेस चलते चलते इकोनॉमी पॉइंट फोर पे पहुंच जाएगी जहां इन्फ्लेशन रेट तो बहुत बढ़ चुका है के मुकाबले में एफ फोर। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो यू टू पर सस्टेन नहीं कर सकी वापिस यूएन पे हो गई इसका मतलब है लॉन्ग रन में इस पॉलिसी का नेगेटिव इफेक्ट हो गया इसी बेस पे कॉन्क्लूड किया फ्रीडमैन एंड फेल्प ने कि लॉन्ग रन में कोई ट्रेड ऑफ नहीं होता अनएम्प्लॉयमेंट में और इन्फ्लेशन रेट में और शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के फिलिप्स कब्ज अलग होते हैं और शॉर्ट रन में अगर कोई बेनिफिट हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट कम करने का वो सिर्फ इसलिए हो सकता है कि वर्कर्स की एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन जो है उसने एडजस्टमेंट अभी नहीं हुई उसमें जब वर्कर्स का एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन चेंज हो जाता है तो फिर फिलिप्स कब्ज शिफ्ट हो जाता है और फिर जो बेनिफिट होना था अनएम्प्लॉयमेंट कम होने का वो नहीं हो सकता थैंक यू